हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी यूसुफ का एपिसोड 4 करने वाले हैं, देखते हैं। तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगी।
ये भी सही है एक्चुअली, लेकिन अभी क्या करें, वो बहन को दिया हुआ वादा कि भाई दम घुट जाता उसका अंदर तो। मेरे बच्चे मुझे नींद नहीं आ रही। तुम जागते हो यूसुफ, आप सुबह तक जागते रही हैं। जब भी मेरी आंख खुली आप जागी हुई थी। तुम यहाँ से चले जाओगे, इस ख्याल ने मेरे दिल का सुकून और रातों की नींद छीन ली है। लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं यहाँ से जाऊँ। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, अब मैं अपने घर वापस नहीं जाना चाहता। सच में तुम्हें पप्पू अच्छी लगती है? आपसे मुझे मेरी माँ राहिल की खुशबू आती है। लिया खाला भी मुझे अच्छी लगती है, लेकिन जब वो मेरा ख्याल करती है पप्पू की जान। यानी तुम यहाँ मेरे पास रहना चाहती हो? हाँ, एक तकी मेरे जहन में आई है, यहाँ रुकने के लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। चलो उठो, तैयार हो जाओ, तुम्हारे पापा के पास चलते हैं। सलाम बाबा। सलाम पप्पू। सलाम पप्पू। सलाम। मैं यहाँ आके आपकी अमानत आपको पहुँचा दूँ। सही सलामत। सलाम पप्पू फायदा। सलाम मेरी बच्ची। तुमने तो चंद दिन और रखने का कहा था। यूसुफ खुश आमदीद मेरे बच्चे। अमानत को जल्द लौटाना चाहिए। अगर आप नहीं चाहते तो मैं वापस ले जाती हूँ। नहीं 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 सर, और एक मुद्दत तक तो इसकी सरपरस्ती की जिम्मेदारी है भाई, इसके लिए भी शुक्रिया। यूसुफ चलो चलो खेलें। जाओ बेटा जाओ। आ जाओ। अरे खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बहन। खुदा हाफिज पप्पू। आखिर यूसुफ और उसके भाइयों में ऐसा क्या फर्क है जो उसे ऐसी हो? ये तो साफ जाहिर है, याकूब और उनकी बहन यूसुफ को हमारे बच्चों से ज्यादा चाहते हैं। बिस्मा। जी बानो, मेरे बाबा इसाफ का कमरबंद गुम हो गया है, तुमने तो नहीं देखा? नहीं तो? मेरे साथ आओ, यहाँ के बुजुर्गों को और चंद लोगों को खबर करें। चलो दीना आराम से। शमौन यहूदा जल्दी करो। Thank you.
सुषमा, क्या हुआ? इसहाक नबी का कमरबंद गुम हो गया है। जगह हमारे बाबा इसहाक की यादगार थी, मुझे बहुत दुख हुआ है। वो तो हमेशा यूसुफ की कमर पर बांधती थी। फिर भी देख ले, मिल जाएगा। सब जगह देख लिया और सबसे पूछ लिया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। कब गुम हुआ? पता नहीं, जब से यूसुफ को यहाँ लाई तब से कमरबंद का कुछ अता पता नहीं। दिखा है। हो सकता है यूसुफ ने यहाँ आने से पहले उसे कहीं छुपा लिया हो। तुम्हें नहीं लगता यूसुफ को चूंकि वो कमरबंद बहुत पसंद था इसलिए उसने ले लिया हो? यानी यूसुफ ने चोरी की है? शायद उसने सोचा हो कि वो उसी का तो है और मैंने वो उसे दे दिया है। लेकिन मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं उसे ढूंढने के लिए हर जगह और हर एक की तलाशी लूंगी, और जब तक वो मिल नहीं जाता आराम से। हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। बहुत खूब, मैं भी पहले यूसुफ से ही शुरू करती हूँ ताकि कोई बहाना ही ना रहे। मालूम नहीं तुम्हारी से क्या चाल बाज, लेकिन जो कुछ भी है मुझे इससे दुख पहुंच रहा है। चालबाजी? कैसी चालबाजी? लोगों, मेरे बाबा का कमरबंद खोया है और मैं उसकी तलाश में हूँ, क्या ये चालबाजी है? ठीक है बाबा, हंगामा मत करो, जाओ अपनी तसल्ली करो। कमरबंद यहाँ है, मैंने सच कहा था ना, ये रहा कमरबंद। यूसुफ, ये क्या हरकत की है तुमने? यूसुफ ने तो कुछ नहीं किया, बस चोरी की है। कनान के लोगों, तुमने देखा मुझे चोर मतलब फिर सो मिल गया। बहुत हो गया, बस करो, तुम्हारा कमरबंद मिल गया तो अच्छा हो। इतनी आसानी से नहीं भाई, लगता है तुम अहले कनान के कानून को भूल गए हो। ये आप सब लोग जानते हैं कि कनान कोई भी अपने मसरूफा माल के साथ चोर ढूंढ निकाले तो वो उसे 4 साल तक के अपने गुलामी में रख सकता है। वाह वाह, सुना तुमने, यूसुफ को गुलामी भी करनी होगी। हम सब कनानियों के रस्म रिवाज से वाकिफ हैं, लेकिन क्या तुम यूसुफ से गुलामी करोगी? मैं इस काम में गुलामी की भी ताकत नहीं करूंगी। यह लगवाजे को ना माने, क्या चाल थी? तुम पर यकीन नहीं रखती, मैं यूसुफ को तुम्हारी गुलामी में नहीं दूंगी। आप लोग जो नबी के खानदान से कवानीन रस्म रिवाज का पालन नहीं रखेंगे तो दूसरों से क्या कहोगे? लेकिन यूसुफ अभी बच्चा है, किस तरह तुम उसे अपनी गुलामी में ले सकती हो? बड़े और छोटे में कोई फर्क नहीं, यह कानून सब पर लागू होता है और हम इसका एहतराम करते हैं। मैं जानता हूँ कि इसमें जरूर तुम्हारी कोई चाल है, मैं साबित नहीं कर सकता, ला नहीं होगी तो मजबूरन तुम्हारी बात कबूल करना होगी। मैंने चोर ढूंढ लिया है और उससे दस्तबरदार नहीं होगी। खुदा और उसका नबी मुझे माफ फरमाए और मुझे उसकी सजा ना दे। ये लो खुश। चलो यूसुफ, तुम आज से 4 साल के लिए मेरे गुलाम बनकर रहोगे। ये है नतीजा इस लाड़ प्यार का। जिस बच्चे को इतना सर पर चढ़ाया जाएगा उसका नतीजा तो यही होना था। सर ऐसी शरारतें करते ही हैं, ये कोई चोरी नहीं। उसकी बात मान ली, आयका यूसुफ की बेहतर तौर पे हिफाजत नहीं कर सकती। यूसुफ ने बजाहिर चोरी की है और मैं इसके खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सका। परेशान मत हो, यूसुफ किसी बैंक के पास नहीं है। पर वो चोरी नहीं की, एक्चुअली प्लान था। जान,
आज के बाद से तुम मेरे मालिक सरदार होगी, तुम्हारी कनीज है, तुम मेरे भाई के वारिस हो, कबीले के चश्मो चराग हो। ये कमरबंद दरहकीकत वो विरासत है जिसके सिर्फ तुम ही है। आज के बाद से यूसुफ, मेरे बच्चे खाब देख रहे हो? सलाम मेरी जान। क्या नबी खुदा ने मुझे बख्श दिया, अंदर आने की इजाजत देंगे? अगर कुछ और करते तो कभी माफ नहीं करता। तुमने अशफों का अंदाज अपनाया, जिसे चाहती थी उसे हासिल कर लिया। माफ कर देना, अंबिया इलाही की जेबो जीनत है, उम्मीद है कि विश्वासी की अहल करार पाऊंगी। जब कोई गुनाहगार है ही नहीं तो माफी कैसी? कैसे किसरार पर आई हूँ, उसने ख्वाब देखा है और देखा है कि उसे आपके सामने बयान करे। यकीन है इसका ख्वाब मुकम्मल खैर और नेकी पर मुश्तमिल है। यूसुफ के ख्वाब में शैतानी अरवा का गुजर नहीं। तो क्या ख्वाब देखा बाबा की जान ने? मैंने ख्वाब देखा कि मैं और मेरे भाई सैरम खेल रहे हैं, तेज हवा चल रही है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई खास तामीर हो इस ख्वाब की, इसकी जब कुछ मेरे जहन में आ जाए। क्या आप लोग आज भेड़े चराने नहीं जाएंगे? अब जाइए। नहीं मालूम ख्वाब की तामीर क्या थी जो याकूब ने सबके सामने बात करना। तो जाहिर है बुद्धू, यूसुफ की बाकी भाइयों पर बढ़तरी और सरदारी। और क्या, एक खाम की ताबीर तो बच्चों पर भी वाजे थी। वो सब संजीदा हो गए थे। मुझे इनके जहनों से उसके गलत असरात को मिटाना होगा। यूसुफ को अपना खाम सरेआम नहीं बताना चाहिए था। रोटी और खजूरें रख दो, थोड़ी देर बाद उनके पास जाऊंगा।
जो कुछ मैं तुम्हारे बारे में सोचता था ठीक था मेरे लिए। मैं तुम्हें यह बशारा देता हूं कि तुम्हें मुस्तकबिल में बुलंद बाला मर्तबा और अमन की सरदारी करोगी। मेरे बाबा इसहाक नबी ने मेरे हक में दुआ की थी कि खुदा मेरी नस्ल में बहुत से नबी करार दे। हमेशा से दिल चाहता था कि जान सको मेरी रिसालत का वारिस कौन है। उम्मीद है कि मेरे मकसद को जारी रखने वाले तुम ही होगे। खुदा की शायद तुम वही हो जिसके हम मुंतजिर हैं। बाबा ये नदी क्या होती है? मेरा खाना और लिबास तैयार करो। जानते हो रसूल खुदा की जानिब से लोगों की तरफ भेजे जाते हैं। वो लोगों को खुदा और फलाह बहबूद और कमाल की जानिब हिदायत करते हैं। अपने ख्वाब की ताबीर किसी को न बताओ, खुसूसन अपने भाइयों को। क्यों बाबा? अगर तुम्हारे भाइयों को पता चल गया तो मुमकिन है कि उनके अंदर की हसद की आग नसीर पड़क उठे। तुमने तो मुझे परेशान कर दिया भाई। मेरे ख्याल है मुझे अब यूसुफ की और ज्यादा हिफाजत करना होगी। अगर इजाजत दी तो मैं अब यूसुफ अपने साथ घर ले जाऊं। ले जाओ, यूसुफ का ख्याल रखना। खुदा आपकी हिफाजत करे। और इस मेरे बच्चे ख्याल रहे, इसे तना मत छोड़ना। रात को जब आप लौटेंगे तो यूसुफ को ले आऊं। मुद्दत हुई उनके साथ सहरा नहीं किया, वरुण तक उनके साथ वापस लौट आऊंगा। हमारे बच्चे समझते हैं कि आप आपकी मोहब्बत और तवज्जो में कमी आ गई है। परेशान मत हो, मैं उनकी सोच को बदलने की कोशिश करूंगा। ओ ये देखो, इनके होते हुए याकूब कभी भी दूसरे बेटे पर तवज्जो नहीं देंगे। अपना खाना अपने साथ लाते हैं, फिर आपने क्यों खुद को जहमत में डाला? यानी मुझे हक नहीं कि मेरा दिन मेरे बच्चों के लिए बेकरार हो। कोई भी चीज आपकी आमद से ज्यादा हमारी खुशी का बायस नहीं हो सकती। आपकी आमद से पहले हमारी हालत सौगारों की थी। मुस्कुराने तक का दिल नहीं चाह रहा था। ऐसा भी क्या हो गया? पता है बाबा, हमें लगता है कि आपकी तवज्जो हम पर कम हो गई है। हाँ, हमें ऐसा लगता है जैसे आप यूसुफ और उसके भाई पर ज्यादा तवज्जो देते हैं। लेकिन मैंने तो यूसुफ को सिर्फ तुम लोगों के खातिर फायदा के पास भेजा था। तुम्हें इसका अंदाजा नहीं कर, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी माँ अब माँ भी न्यामीन के साथ चक्की रहती है और उधर पुप्पो यूसुफ के लिए बेहतरीन कपड़े और खिलौने मुहैया करती है। तुम लोगों से मुद्दत है, लेकिन तुम लोगों को भी सोचना चाहिए कि हमें ऐसा बर्ताव करना चाहिए कि यूसुफ और बिन्यामीन को अपनी माँ की कमी का एहसास ना हो। बाबा, यूसुफ ने जो ख्वाब देखा हम उससे बहुत परेशान हैं। आप जो औलाद में बड़े और ताकतवर हम हैं, तमाम सख्त जिम्मेदारियों और मुश्किल उमूर तो हमारे कानों पर है, लेकिन आपका जानशी वो यूसुफ बने। लेकिन यूसुफ के ख्वाब की ताबीर कुछ और भी तो हो सकती है। यही कहा कि उसके हाथ में मौजूद लकड़ी सख्त हो गई और तुम्हारे हाथों की लकड़ियों पर साया कर है। मुमकिन है कि ये इस बात की तरफ इशारा हो कि यूसुफ अपने सारे भाइयों को चाहता है, या फिर ये कि यूसुफ निस्बतन ज्यादा रहमदिल और मेहरबान होगा और अपने सारे भाइयों को चाहेगा। जाहिर है कि हमने जो नतीजा निकाला है इसके इलाज ठीक से समझा नहीं, यानी
खुद आपका जानशीन नहीं है। मेरा जानशीन खुदा मुतय्यन करेगा, वो भी तुम इससे बेहतरीन को। तुम लोग भी चाहिए कि इन बालबाजियों से पास आ जाओ। यूसुफ और बिन्यामीन तुम्हारे भाई हैं, दुश्मन नहीं है। मैं तुम सबको चाहता हूं और चाहता हूं कि तुम लोग भी एक दूसरे को चाहो, ताकि खुदा भी तुम्हें दोस्त रखे। घर के बड़े मेरी उम्मीद और आस और दस्त बाजू तुम लोग हो। आज मुझे लगता है कि मैं तुम लोग देर और बहादुर हो। तुम लोगों के होते हुए कोई गम याकूब के दिल को छू भी नहीं सकता। हम आपसे माजरा चाहते हैं कि आपने क्या पूछा है। शमून दावी Thank you.
मुझे लग रहा है कुछ हो जाएगा। बड़ा हो गया जानती हूँ कि मेरा वक्त आ गया है। कोई तबीब, कोई दवा दारू, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे कल से ही पता था क्या मेरे पास ज्यादा मोहलत नहीं। मेरी बात गौर से सुनो। कल जब तुम हमारे घर से जाने पर मुझसे थी तब समझ लेना चाहिए था। हमारे दुनिया से मेरे पास कुछ नहीं, जो कुछ है वो मैं यूसुफ को बख्श उससे माफी चाहती हूँ। आपसे माफी चाहती हूँ कि मैंने 4 साल मैंने 4 साल साजिश से यूसुफ को अपने पास ठहराया। उस पर चोरी का इल्जाम लगाया। खुदा मुझे माफ करे। आप मेरा यूसुफ चोर नहीं है। मैंने खुद वो कमरबंद उसके कपड़ों के नीचे छुपाया था। मैं ये सब जानता था। तुम खुद को इंसान मत दो। सबको बता दे ना छोटा और ना है। तुम खुद को रंजीदा मत करो। मैं तुमसे तन्हाई में कुछ बातें करना चाहती हूँ। निशानियों में से एक निशानी है बाज लोगों के लिए रहमत और नेमत है, तो बाज के लिए नुकसान और खसारा है। मुझे हसद और कीने के आसार नजर आ रहे हैं। ये सब का ख्याल रखना। एक करिए मत छोड़ना मामा के लिए उसे। उसे अपने सांस सुलाना और अकेले कहीं
का हिस्सा कब पहुंचाना, मेरा सलाम राहील को देना, मेरा सलाम महताला को पहुंचाना। जो कुछ मांगना है सिर्फ उससे मांगो, सब आजिज है और वो कादिर, वो तुम्हारे हर नाज़ नियाज़ से बाखबर है, तुम्हारे तमाम वजूद पर वही हाजिर नाज़िर और गवाह है। और अगर दोस्त चाहते हो तो तुम्हारा दोस्त है, महाफिज़ निगहबान चाहते हो तो वो तुम्हारा निगहबान है। अगर मददगार है, अगर पंद नसीहत चाहते हो तो तुम्हारा नासे और वाइस है। जो कुछ तुम बंदों से तलब करते हो वो सब कुछ उसके हाथ में। वाए हो उन पर जो दूसरों के सामने दस्ते सवाल नाराज करते हैं। अक्सर खुद स्वा हो जाए अगर खुदा मुझे मैशर सिर्फ आदि बनकर ऐसे लगे। बहुत से पर्दे फाश हो जाएंगे, नजर करें, बहुत से अमीर असीर हो जाए अगर कल हजारा मसलमों की दस्तगीरी फरमा दें। आंखें खून के आंसू अगर गुनागार अपनी बदमारियों का मुशाहिदा कर ले, लिहाजा उस दिन के लिए सामने आप जमा करें और उस रोज के लिए अपने अमाल की इस्लाह के लिए तैयार रहें। बिलाखिर हम सब इसी राह के मुसाफिर रहे। आइए फायदा की रूटी मिलकर दुआएं मंगत करें। परवरदिगार इसे अपने सवाले और नेक बंदों के साथ मशहूर फरमाओ। इतना मस्त चल रहा था लेकिन भाइयों का बोलते ना थोड़ा आ गए थे लाइन पे, लेकिन वो माए फिर कान बोल रही थी यार। गलत है, बहुत गलत है, छोटा सा बच्चा से इतनी तकलीफ है लोगों को। वो उनसे ना कोई खुशी नहीं, पहले उनकी माँ से प्रॉब्लम थी और अभी इनसे प्रॉब्लम है, उनको ये नहीं समझता यार। बट वो ख्वाब भी अच्छा था, वो ख्वाब देख के भी ऐसा लग रहा था कि हाँ। बट अभी ये कितना अच्छा जा रहा था यार, और फूफी का टेक्निक भी कैसा था यार। बट अभी वो भी मजबूर थी ना, इनफेक्ट इन्होंने भी वही बोला ना कि अगर मैं उधर चला गया तो फिर सब लोग मुझे ही देखेंगे, फिर मेरे भाइयों को तो और डिफिकल्टी हो जाती। उन्होंने वही कुछ कहा कि एटलीस्ट भाइयों की थोड़ी जलन कम हो, जलन कम हो जाए, क्योंकि वहां चलते थे तो वो तो था यही है। लेकिन उसमें से एक भाई अच्छा है, वो हमेशा थोड़ा जो चबीसा है ना, चबीसा राइट वो सही है, वो थोड़ा हमेशा बोलते ना नहीं यार ठीक है छोटा है। वो भेड़िया को भी जब मारा ना तभी भी लाइक सब उनकी फिर ना एकदम बड़े बड़े आज छोटों को अच्छा लग रहा था, अच्छा लग रहा था तो वो लग रहा था चला भी हमको अटेंशन मिल रहा है ये वो ऐसा ऐसा।
पर माया वो ये इनकी माया वापिस से कान भर रही है तो वो गलत है ऑफ कोर्स। अभी आगे क्या होगा क्योंकि अभी तो यूसुफ को उनके साथ ही रहना है अभी, और अभी बड़े भी हो गए, थोड़े बड़े हो गए अभी तो, थोड़े मतलब बोलते ना प्रॉपर ऐसा थोड़ी एज आ गई। चलो देखेंगे, तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब क्लिक ऑन द बेल आइकन।